इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को एक्सप्लेन. लेट्स रीड टुगेदर. ये भी चैप्टर स्टार्ट होता है पहेली एंड बूजो से, जो कि अपने अंकल के यहाँ गए हुए हैं समर वेकेशन में, और जो कि उनके अंकल फार्मर है. वो एक दिन उनको डिफरेंट टाइप की टूल्स दिखाते हैं लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल एंड प्लग अपने फील्ड में जहाँ वो जाते हैं. तो आपने भी ये सारे टूल्स को कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो आप इसको आज ही सर्च करके देखेंगे, ओके, और बताएंगे कैसा है ये. अब यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आपने अपने पुराने क्लासेस में पढ़ा होगा कि सभी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड. आपको पता है कि सारे जो भी प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट, वो अपने खाने खुद सिंथेसिस करते हैं, खुद बनाते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारे कमेंट में बताएंगे. प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक द ऑन फूड. एनिमल अपना, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सब हम सब अपना फूड खुद नहीं बनाते. हम एनिमल और एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दोनों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. हमें ऑलरेडी पता है, पर सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है. जैसा आपने पहले पढ़ा है, हमें एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शन को कैरी करता है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन. इन सारे फंक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए हम खाना खाते हैं, और हमें खाने के लिए हम डिपेंड होते हैं एनिमल और प्लांट और दोनों पे. ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज. आगे हम पढ़ते हैं जो कि ये चैप्टर का मेन है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, और फूड हमें जो कि पूरा लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इन सबको फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें लार्ज प्रोडक्शन करना होता है. इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. ये चैप्टर स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से. अब हमें फूड प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एग्रीकल्चर करना होता है, हमें क्रॉप उगाना होता है, और इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं. सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. 10,000 BC पीपल पहले क्या होते थे, नोमैडिक होते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और घूमते थे ग्रुप में, एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में जाते थे, और रॉ फ्रूट और वेजिटेबल वो खाते थे प्लांट से तोड़ के, और हंटिंग करते थे एनिमल की खाने के लिए. फिर कुछ दिन, कुछ समय ऐसे बीता, वो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया लैंड पे. वो जगह जगह घूमते थे जहाँ लैंड उनको सूटेबल लगी, वो वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया राइस का, वीट का और दूसरे और भी सारे क्रॉप्स के, ठीक है. और इसी तरह एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. अब हम सिर्फ सेम काइंड के प्लांट, एक ही काइंड के प्लांट हम जब बहुत लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं, इसको क्रॉप कहते हैं, ठीक है. ये क्रॉप की डेफिनेशन है. एग्जांपल के लिए वीट का क्रॉप हो गया और राइस का क्रॉप हो गया, ठीक है, वेजिटेबल का हो गया, सीरियल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया. अगर एक टाइप के ही प्लांट लार्ज स्केल में उगाया जाए तो उसको क्रॉप कहते हैं. आगे पढ़ते हैं. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है. आप सबको पता है यहाँ पे कितने सारे क्लाइमेट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर होता है, कहीं ज़्यादा कहीं ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, और आप भी कई हमारे यहाँ विंटर है, समर है, ठीक है, रेनी डेज है. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिस्पाइट ऑफ दिस बिग डाइवर्सिटी, फिर भी हमारे यहाँ क्रॉप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक को खरीफ कवर क्रॉप कहते हैं और सेकंड कैटेगरी को रबी. इसमें आप सब इसका टाइम ज़रूर याद रखेंगे. जो खरीफ क्रॉप का जो टाइमिंग है वो जून टू सितंबर में इसको उगाया जाता है, ठीक है. इसको हम रेनी क्रॉप कहते हैं, रेनी सीजन में इसको हम उगाते हैं, इसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है. ये जून टू सितंबर में उगाया जाता है इंडिया में. एग्जाम्पल पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं. रबी क्रॉप किसको कहा जाता है, वो जो विंटर सीजन में उगाया जाता है, लाइक अक्टूबर टू मार्च. इसमें एग्जांपल है हमारा रबी, रबी में
वीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिनसेड, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और बहुत सारे वेजिटेबल पल्सेस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन में उगाए जाते हैं, समर में भी और रेनी में। बेसिक प्रैक्टिस हमारी, अब ये तो वो क्रॉप के दो कैटेगरी के बारे में आपको बताया गया है कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं। इसके बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिसेस के बारे में कि बेसिक प्रैक्टिस क्या है क्रॉप उगाने की। सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व बहुत सारे जब भी हम क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। हम डायरेक्टली हमें प्लांट नहीं मिल जाता, डायरेक्टली हमें क्रॉप नहीं मिल जाता, उसके उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट स्टेप बाय स्टेप हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे आपने आप अपने घर में भी कोई प्लांट उगाते हो तो आप उसकी केयर करते हो, सीड कर डालते हो, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हो, उसके बाद क्रॉप जाके थोड़ा थोड़ा निकलता है, आप टाइम टू टाइम उसको वाटर डालते हो। सेम एज़ ऐसे ही हमें क्रॉप बहुत लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है और इसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और यहाँ पे इसको कुछ लिस्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दी गई है, यहाँ पे 7 दी गई है, आप इसको याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन हम सोइंग करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन इरीगेशन, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये 7 एक्टिविटीज़, 7 प्रैक्टिसेस है जो कि सीक्वेंस बाई होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकता ये। ओके, सबसे पहला प्रैक्टिस जो है वो हमारा आता है सॉइल का प्रिपरेशन। अगर सॉइल सही से प्रिपेयर ना हो, सपोज़ मान लेते हैं आपका, आप ऐसे कहीं घूम रहे हो, आपको सॉइल देगी, अगर वहाँ पर आपने बीज फेंक दिया तो क्या वह ऐसे निकल जाएगा? नहीं, ठीक है। सही से बीज को ग्रो करने के लिए प्रॉपर उससे हमें वो प्रॉपर फसल दे, प्रॉपर क्रॉप, अच्छा सा प्रोडक्शन हो, उसके लिए हमें सही स्टेप और सही से सॉइल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सबसे पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ताकि जो दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ ईजली इवन वैन दे गो डीप इन टू द सॉइल, ठीक है। हमें सॉइल को हम इसलिए लूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल है ब्रेथ सही से ब्रीदिंग ले सके और उसके अंदर जितने भी और ये और हेल्प करता है, जो लूज सॉइल होता है वो हेल्प करता है ग्रो अर्थवॉर्म को ग्रो करने में, माइक्रोब्स को ग्रो करने में जो सॉइल में होता है, इसे वो ग्रो करते हैं और ये सारे फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं उनको, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो सॉइल है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होती हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट और कई बार उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है, जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, इससे मिट्टी क्या होती है, सॉइल ऊपर नीचे होता है, सही से इसके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं और इस तरह जो जब हम प्लांट उसमें उगाते हैं तो वो सही से न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं और सही से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और इस तरह जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दोबारा से प्लांट उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए सॉइल को ऐसे हमें क्या कहते हैं, उसको लूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह न्यूट्रिशन जो रिच सॉइल होता है वो ऊपर आता है और प्लांट उसको यूज़ कर पाता है और सही से ग्रो कर पाता है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, सॉरी, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को जहाँ पे हम लूज़ करते हैं सॉइल को, फिर टर्न करते हैं, फिर उसको इक्वल साइज में करते हैं, इसको टिलिंग एंड प्लगिंग करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के प्लग्स। पहले ही इस्तेमाल किया जाता था ऐसा प्लग जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। ये प्लग है जहाँ पे हम ऐसा एक लकड़ी का प्लग यूज़ किया जा करते थे और इसको एनिमल के ऊपर रख के इस्तेमाल किया जाता था, ओके, प्लग शेयर के इस्तेमाल करके, जो कि ऐसा वुड का बना होता था। और इससे क्या होता, सॉइल का बड़े बड़े क्रम्स निकलते थे। उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े जो क्रम होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इसके बाद इसको हम लेवलिंग कहते थे, इस क्रम को तोड़ने को हम लेवलिंग कहते हैं। इसके बाद जब ये टूट जाता है तब ये प्रॉपर हमारा सॉइल प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम कई बार इसी टाइम पे हम मैन्योर ऐड कर देते हैं ताकि सॉइल में सही से वो मिक्स हो जाए, ओके।
कई बार उसमें हम अगर बहुत ड्राई सॉइल है तो हम उसमें पहले वाटर डालते हैं कि वो भी सही से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से सॉइल इक्वल हो जाए, जहाँ ड्राई ना रहे। अब यहाँ पे इसके लिए हम कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हम यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर के टूल्स देखेंगे जो यूज़ किया जाता है दिस पर्पज़ के लिए, प्लग होय एंड कल्टिवेटर। ठीक है, प्लग तो जैसे मैंने आपको बताया है ये इस्तेमाल किया जाता था खेत की जुताई करने के लिए, उसको खोदने के लिए, इसको हम प्लग कहते हैं। ठीक है, पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब इसको नया इस्तेमाल किया जाता है, नया टाइप के हम ट्रैक्टर में इस्तेमाल किए करते हैं। पहले इसको बुल पे ऐसे रख के हॉर्स या कैमल के हेल्प से प्लग शेयर को ऐसे खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, होय क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जो रिमूव करते हैं वीड्स को। ये देखिए यहाँ पे फिगर 1.1 का बी देखेंगे, ओके, ये एक ब्लेड होता है सामने में जो कि ऐसे एनिमल, इसको भी पुल एनिमल द्वारा ही किया जाता है और इससे सॉइल जो लूज होता है इससे वीड्स रिमूव करते हैं सॉइल में से। ठीक है, सॉइल जब लूज हो जाता है तो वीड्स ईजिली रिमूव हो पाता है, इसके हेल्प से हम इसको रिमूव करते हैं। अब हमारा कल्टिवेटर, अब हम इस्तेमाल करते हैं, नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर, अब हम कल्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर इसलिए किया जाता है नाउ डेज क्योंकि लेबर को हम सेव करते हैं और टाइम का बहुत बड़ा हम यहाँ पे टाइम को बचाते हैं। अदरवाइज पहले ऐसे एनिमल्स पे यूज़ किया जाता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है उसके लिए हम इतना ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, इसलिए हम कल्टिवेटर का ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें जल्दी और स्मूथली हो सके। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाती है, हमने टूल्स को भी देख लिया, थ्री डिफरेंट टूल्स को देख लिया और हमने क्या देखा कि सबसे पहले मिट्टी को हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसको प्लग और लेवलिंग किया जाता है, देन हम सोइंग पे आते हैं। ओके, सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप का, क्योंकि अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो क्रॉप क्या निकलेगी, है ना, तो बीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले सोइंग से पहले हम अच्छी क्वालिटी का सीड ढूंढते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी का, अगर हम ऐसे बुरा सीड डाल देंगे तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना, सारे प्रोसेस हमारा वेस्ट चला जाएगा अगर अच्छा सीड ही नहीं हुआ, अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो। इसलिए सीड का जो सिलेक्शन होता है फार्मर जो करते हैं बहुत ही ऐसे अच्छी क्वालिटी का सीड ढूंढते हैं वो, और अच्छी क्वालिटी हो, हेल्दी सीड हो, क्लीन सीड हो, ओके, उसके बाद आगे जाके हम उसको ऐसे डालते हैं। आर दिस सीड आर फ्लॉट ऑन वाटर, अब हम अच्छे क्वालिटी की सीड का टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट दिया है एक्टिविटी 1.1 में, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पहले हम बीकर लेना है उसको हाफ पानी से फिल करना है, पुट अ हैंड फुल ऑफ वीट सीड, अपने हाथ में सीड लेंगे वीट का और फिर उसमें डाल देंगे वाटर में और उसके बाद थोड़ा उसको घुमाएंगे और वीट करेंगे, क्या सीड फ्लोट कर रहा है वाटर में, उड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई उड दे बी लाइटर, डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए आप जब सीड देखेंगे कुछ जो सीड होगी वो ऊपर फ्लोट करने लगेगी, दैट मीन वो डैमेज है, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्मॉल वो क्या करते हैं सीड को अंदर अंदर खा जाते हैं, जब ऐसा होता है डैमेज सीड अंदर से क्या होती है खोखली हो जाती है और इस तरह वो हल्की हो जाती है, जब पानी में उसको हम डालते हैं तो जो डैमेज सीड है वो हल्की होती है तो वो ऊपर तैरने लगती है, इसका मतलब है जो अंदर जो डूब गई है सीड वो अच्छी सीड है और जो फ्लोट कर रही है पानी में वो बुरी सीड है, मतलब बेकार डैमेज सीड है, तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, समझ गए सब, दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। ओके, तो पहले हम बीज को बोने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो फार्मर करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स क्या यूज़ करते हैं हम सोइंग के लिए, सीड को खेतों में ऐसे सोइंग करने के लिए हम पहले क्या यूज़ करते थे, पहले हम फर्नल लाइक ऐसे सीड आर फिल इन टू द फर्नल पास डाउन इन टू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शेप एंड पोर्स इन टू द सॉयल एंड प्लेस द सीड, अब ऐसे देखो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो ऐसा लंबा सा यहाँ पे फनल है, इसमें सीड डालते हैं और इसको ऐसे मिट्टी में से घुसा घुसा के उसको क्या करते हैं ऐसे पर्सिंग कर करके इसमें सीड डालते हैं मिट्टी के अंदर, ये ट्रेडिशनल मेथड होता था।
अब हम इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का। इसमें ऊपर जो आप देख रहे हो वहाँ पे सीड रखी होती है और मशीन में से पाइपें लगी होती है, वो सीधा सीड ड्रिल करके अंदर डालते हैं। फिर वैसे ये ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है और इससे क्या होता है, बहुत बड़ी क्वालिटी में इजीली सीड और जल्दी हो जाता है, टाइम सेव होता है और इससे सीड यूनिफॉर्मली भी इक्वल डिस्टेंस में जाता है। जैसे कि ये इक्वल लेंथ में इसका जो मशीन लगा होता है वो इक्वल लेंथ में होता है, इस तरह जो डेप्थ है वो इक्वल डेप्थ में और इक्वल डिस्टेंस में जाके ही सीड को अंदर उसको छोड़ता है, मिट्टी के अंदर सो करता है। ठीक है, द प्रोसेस सीड फ्रॉम बींग इटन बाय द बर्ड सोविंग बाय यूजिंग ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। जिस तरह मैंने बताया ये टाइम को बचाता है, लेबर को भी बचाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी, और इसकी हेल्प से जो सीड के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ एक ही जगह दो तीन सीड निकल जाएगी तो कैसे ग्रो करेगा, वो नहीं करेगा ना। उनको भी एक प्लांट को सही से ग्रो करने के लिए भी उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए, मिट्टी चाहिए जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले पाए। ये मशीन हेल्प करता है कि जो सीड है उसका डिस्टेंस भी सही हो, सही सही डिस्टेंस बीच में उन दोनों के बीच में भी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा क्राउडिंग ना हो प्लांट की और प्लांट ईजिली क्या कर सके, ग्रो कर सके और सॉइल सप्लाई जो उसको उनका मिनरल्स हो वो सही से प्लांट को मिल सके। ठीक है, इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड, द फील्ड नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, कई बार जो फार्मर होते हैं वो बैक टू बैक क्रॉपिंग करते हैं, बैक टू बैक क्रॉप, एक प्लांट एक अभी ख़त्म हुआ एग्रीकल्चर का क्रॉप, उसके बाद एक बार क्रॉप ख़त्म हुआ फिर दोबारा फील्ड खाली हुआ फिर दोबारा से लोग उसमें कल्टीवेशन कर देते हैं। अगर ऐसा बैक टू बैक होता है तो क्या होता है फिर बताओ आप। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब बार बार एक ही सॉइल में हम क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो पूरा प्लांट सोख लेगा ना, प्लांट फिर सॉइल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, इस तरह सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, है ना। उसको लीव करना होता है कुछ समय के लिए, उसको छोड़ना होता है ताकि जो सॉइल है वो अपना प्लांट अपना जो उसको मैनेज कर पाए, उसको दोबारा से रिक्योर कर सके। अब इस तरह क्या होता है जिसमें मैंने आपको बताया, इस तरह पूरा सॉइल तो ख़राब हो जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, और इस तरह का इनसफिशियंट अगर मैनरिंग हो तो प्लांट जब उगाया जाएगा तो वीक हो जाएगा। मैनूअर इज़ ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब जो मैनूअर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमें मिलता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है, अब इस जो फार्मर होते हैं, फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एन ऑर्गेनिक मैनर। यू कैन ऑलरेडी लर्न, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा सिक्स्थ में। ठीक है, प्लांट एनिमल्स को जब छोड़ते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर वो मैनर में वो टर्न आउट हो जाता है और इसका यूज़ हम खेतों में करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, डिड प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ है इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर आर केमिकल्स। अब हम यहाँ पे फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, विच आर अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर और सफिशियंट फर्टिलाइजर जो होते हैं केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से डिफरेंट क्यों होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर आर जो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाशियम, एन पी के, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्ट्रीज में इसका प्रोडक्शन होता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड माइस। फर्टिलाइजर का यूज़ हम खेतों में करते हैं ताकि प्रोडक्शन और अच्छी हो सके। ओके, और पर फर्टिलाइज़र ये सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन भी है, क्योंकि अगर ये पानी मिल जाता है तो वाटर को पॉल्यूट करता है। देयरफॉर इन अदर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर टू लीव विद द फील्ड करंट कल्टिवेटर इन द बिटवीन टू क्रॉप्स। इसके और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंटेन
एक सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फर्टिलाइजर को मिला के सॉइल में मिला के कुछ समय के लिए खेत को अनकल्टिवेटर फील्ड को छोड़ देते हैं, ताकि जो खेत जो हमारी फील्ड की जो हमारी हेल्थ हो, जो उसकी फर्टिलिटी हो वो सही हो सके। ओके, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ये इसको हम फैक्ट्रीज में नहीं बनाते। इसके आगे हम डिफरेंस अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा तरीका क्या है कि जिससे कि हम प्लांट जो हमारा वो हो, क्रॉप हो, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सही हो और न्यूट्रिएंट्स हमेशा बना रहे, इसके लिए हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। मतलब एक ही टाइप का क्रॉप हम बार बार नहीं उगाते। ओके, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का क्रॉप हम अल्टरनेट वे में उसको उगाते हैं, ताकि एक ही टाइप का न्यूट्रिशन ज़्यादा डेफिशियंट ना हो सॉइल से। इन नॉर्दर्न इंडिया यूज़ टू, पहले क्या होता था, नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर क्या करते थे, लेग्यूम उसको उगाते थे, ठीक है, इन फॉर्डर इन वन सीज़न, और फिर नेक्स्ट सीज़न में वो वीट उगाते थे। इस तरह क्या होता था, जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन दोबारा आ जाता था और सॉइल हेल्दी रहता था। ओके, इसी तरह हमें फार्मर को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो ऐसी ही एक्टिविटी, ऐसी प्रैक्टिसेस करें। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो कि निड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। कोई भी लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, उसके न्यूड्यूल में ये प्रेजेंट होता है, रूट के न्यूड्यूल्स में, सॉरी। ये फिक्स करता है एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से। तो इस तरह जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो हेल्प करते हैं हेल्थ की, सॉइल की, सॉरी हेल्थ में, उसकी फर्टिलिटी में। अब पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में क्या डिफरेंस है। ओके, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, ये इसको इंसान बनाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट है। और जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट के जितने भी रेजिड्यू जो बच जाते हैं, जो गिर जाते हैं ज़मीन पे, उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, तो उससे हमें मैन्योर मिलता है। ओके, ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। ओके, और जो मैन्योर है वो प्रिपेयर होता है फील्ड में ही हो जाता है, ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ओके, और जो मैन्योर है ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जो कि ये भी इसका सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, ये हेल्प करता है। फोर्थ है फर्टिलाइजर इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो मैन्योर है ये लेस न्यूट्रिशन रिच होता है। ओके, ये फोर्थ हमारे पर डिफरेंस आ गए। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं मैन्योर के और एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होता है और इसको बेटर कंसीडर किया जाता है फर्टिलाइजर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है फर्स्ट, सेकेंड ये सॉइल को पोरस बनाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रोवाइड करता है तो सॉइल को ये पोरस बनाता है। इससे क्या होता है, जो गैस वो ईजिली एक्सचेंज हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स होता है वो ईजिली जा पाता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करता है और ये सॉइल को टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो फोर यहाँ पे इसके एडवांटेजेस है मैन्योर के। ओके, तो अब ये यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट फिनिश करते हैं, आगे की हम पार्ट सेकंड में पढ़ाई करेंगे। ओके, सो लेट्स आगे से पार्ट सेकंड में मिलते हैं। बाय बाय।